यूएसए और चाइना एक वॉर लड़ रहे हैं, एक ऐसी अनदेखी वॉर जिसमें ना तो फौजी हैं, ना टैंक्स और ना मिसाइल्स। ये वॉर लड़ी जा रही है गवर्नमेंट ऑफिसेज और कंपनी बोर्डरूम्स में। ये वॉर है दुनिया की सबसे कीमती चीज को हासिल करने के लिए, जिसे कहते हैं माइक्रोचिप। आपकी फिंगर टिप पे पूरी आने वाली इस चीज में एक ऐसा मैजिक है जिसकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है। इस वक्त इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में इस चिप को लेकर एक हलचल मची हुई है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग यूएसए और चाइना के बीच तनाव का रीजन समझें, बिकॉज इसका इम्पैक्ट हम सब की जिंदगियों पर पड़ने वाला है। आई एम नॉट श्योर कि आप लोग इस बात को जानते हैं कि नहीं, मगर हमारी ये मॉडर्न दुनिया और इसका सारा फ्यूचर इन माइक्रोचिप्स पर डिपेंडेंट है। हर इलेक्ट्रॉनिक चीज इस सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप से चलती है। दीवार पे लगी घड़ी से लेकर आपके रेफ्रिजरेटर, आपके टीवी, आपके माइक्रोवेव ओवन, आपके फोन, आपके लैपटॉप, हर चीज में ये छोटी सी चिप है। इवन के ये वीडियो भी आप इसी माइक्रोचिप की वजह से देख रहे हैं। और इन सबसे बढ़कर आपके सारे मिलिट्री हथियार जैसे कि रेडार, मिसाइल्स, जेट्स, हर चीज इन्हीं चिप्स पर डिपेंडेंट है। जिस कंट्री के पास भी इन माइक्रोचिप्स का कंट्रोल होगा, उसके हथियार और उसकी आर्मी दुनिया में सबसे पावरफुल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगी। लेकिन यूएसए और चाइना में ये इशू शुरू कब हुआ, इस इशू का असल कॉन्टेक्स्ट क्या है, और माइक्रोचिप हासिल करने की इस रेस का अंजाम क्या होगा, आइए जानते हैं सच ये है कि इस वीडियो में। 1950s में अमेरिका में हर तरफ कंप्यूटर्स की हाइप थी। इतनी लंबी लंबी तारों वाले ये बड़े बड़े कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, मगर ये बहुत स्लो थे और साइज इतना बड़ा था कि एक कंप्यूटर के लिए एक पूरा कमरा चाहिए होता था। फिर 1959 में दो अमेरिकन इंजीनियर्स ने इन तारों के जाल वाले कंप्यूटर से जान छुड़ाने का फैसला किया। उस जमाने में ट्रांजिस्टर नया नया इन्वेंट हुआ था। ट्रांजिस्टर एक किस्म का ऑन एंड ऑफ स्विच है, जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। इन दोनों साइंटिस्ट्स के जहन में एक आइडिया आया। इसी ट्रांजिस्टर के मैकेनिज्म को यूज करते हुए उन्होंने सिलिकॉन के मटेरियल पर ऐसे छोटे छोटे स्विचेस बनाए, जिससे वो बगैर किसी वायर के इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंट्रोल कर सकते थे। और उसके बाद हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अब इलेक्ट्रिसिटी की पल्स को कंट्रोल करने के लिए तारों की जरूरत नहीं थी। ट्रिलियंस ऑफ सिग्नल्स चंद सेकंड्स में एक से दूसरी जगह पहुंच रहे थे। इसी एक इन्वेंशन की वजह से हमारी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। ये कैलकुलेटर्स, छोटे साइज के कंप्यूटर्स, टीवी रिमोट, सब इस सिलिकॉन चिप की डिस्कवरी के बाद बनना शुरू हुए। 1960s में अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चिप्स बनाने वाला कंट्री बन चुका था। बड़े बड़े बिलियनियर्स माइक्रोचिप कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। 1980s तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी थी कि सिर्फ एक चिप पर 300,000 तक स्विचेस लगाए जा रहे थे, और उसके नतीजे में हर इलेक्ट्रॉनिक चीज का साइज छोटा होता जा रहा था। पूरे कमरे में समाने वाला कंप्यूटर अब सिर्फ एक टेबल पर पूरा आ रहा था। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स इन्हीं चिप्स की वजह से दुनिया को बदल रहे थे। एक रेवोल्यूशन आ चुका था जिसने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। सात समंदर पार जापान भी इस दौड़ में शामिल होने के लिए कूद पड़ा। जापानीज कंपनीज ने सस्ती कीमत पर हाई क्वालिटी माइक्रोचिप्स बनाकर अमेरिकन मार्केट में सप्लाई करना शुरू कर दी। अब जाहिर है अमेरिका ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था, इसीलिए 1987 में अमेरिका ने जापानीज माइक्रोचिप्स पर 100% टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से जापानीज चिप इंडस्ट्री सिर्फ 6 महीनों में क्रैश कर गई। इसी दौरान एक और एशियन कंट्री इस सारी सिचुएशन को बड़े गौर से देख रहा था। ताइवान ने जापान और अमेरिका पर बड़ी कड़ी नजर रखी हुई थी, और वो ये समझ चुका था कि माइक्रोचिप मार्केट में अगर सर्वाइव करना है तो उसे अमेरिकन कंपनी से कम्पीट नहीं करना बल्कि उनको सपोर्ट करना है। और यहीं पे इस कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आया। असल में ये माइक्रोचिप्स बहुत स्पेशल फैक्ट्रीज में बनती थी, जिन्हें फैब्स कहा जाता था। बेसिकली ये चिप बनाना इतना आसान काम नहीं, और इसके लिए स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि मिट्टी का एक जर्रा भी इस चिप को खराब कर सकता है। इसीलिए ये ऐसी स्पेशल फैक्ट्रीज में बनाया जाता था, जैसे कि आप इस फुटेज में देख रहे हैं। प्रॉब्लम ये थी कि इन फैक्ट्रीज को चलाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। ऐसी एनवायरनमेंट मेंटेन करने पर करोड़ों खर्च होते थे, और इसीलिए ये माइक्रोचिप उस जमाने में काफी महंगी थी। अब वापस आते हैं ताइवान पर। असल में उस वक्त ताइवान के बहुत से इंजीनियर्स अमेरिका में इन माइक्रोचिप्स बनाने वाली कंपनीज में जॉब कर रहे थे। ताइवान की गवर्नमेंट को इस सारी सिचुएशन में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी। ताइवान के एक तरफ चाइना था
जो उस वक्त इकोनॉमिक मिरेकल एक्सपीरियंस कर रहा था और वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह ताइवान को वापस चाइना में शामिल करे। तो अगर ताइवान किसी तरह यूएस कंपनीज को लो कॉस्ट पे ये माइक्रोचिप बनाकर देता है तो नेचुरल है कि अमेरिका उसे चाइना के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा। ताइवान की गवर्नमेंट ने अमेरिका में बैठे हुए अपने इंजीनियर्स को बहुत हैवी इंसेंटिव्स देकर वापस ताइवान बुला लिया। इन इंजीनियर्स की टिकट तक का खर्चा ताइवान की गवर्नमेंट ने दिया और उन्हें कंप्लीट टैक्स छूट दी गई ताकि वो ताइवान में माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी सेटअप करें। इन्हीं इंजीनियर्स में से एक मॉरिस चेंग था। मॉरिस ने क्योंकि खुद अमेरिकन माइक्रोचिप्स बनाने वाली कंपनीज में काम किया था तो वो जानता था कि इन कंपनीज का प्रॉब्लम क्या है। इन फैक्ट्रीज को चलाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और वो चाह रहे थे कि किसी तरह ये ऑपरेशनल कॉस्ट कम की जा सके। मॉरिस ने इसी का हल निकालने के लिए ये आइडिया दिया कि चिप्स का डिजाइन, सॉफ्टवेयर और मार्केटिंग अमेरिका में होगी लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में होगी। इस तरह इन माइक्रोचिप्स की कॉस्ट को 50% तक कम किया जा सकेगा। इसी पर्पस को पूरा करने के लिए 1987 में ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC के नाम से एक स्टेट ओन्ड कंपनी बनाई गई जिसका काम था कि इन चिप्स को अमेरिकन कंपनीज की डिमांड पर मैन्युफैक्चर करना। सिर्फ 14 सालों में TSMC एक जायंट बन चुकी थी। पूरी दुनिया की 92% एडवांस्ड माइक्रोचिप्स अब ताइवान में बन रही थी और यहीं पे एंट्री होती है चाइना की। ईयर 2000 के एंड तक चाइना अपने मैन्युफैक्चरिंग बूम की पीक पे पहुंच रहा था और अब उसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए चिप्स की जरूरत थी। चाइना ने ताइवान से माइक्रोचिप्स खरीदना शुरू कर दी। 2010 तक पूरी दुनिया की 40% माइक्रोचिप्स चाइना खरीद रहा था और ये पूरा साइकिल कुछ इस तरह से था कि माइक्रोचिप्स का सॉफ्टवेयर और उनका डिजाइन अमेरिका में बनता था, चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में हो रही थी और 40% चिप्स चाइना जा रही थी। तो अगर देखा जाए तो चाइना इन चिप्स के लिए अमेरिका पर ही डिपेंडेंट था। इसी चेन को तोड़ने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया के नंबर 1, उन्हें किसी भी तरह अमेरिका पर से इन चिप्स की डिपेंडेंस खत्म करनी है और दूसरा उन्हें बहुत ज्यादा चिप्स चाहिए ताकि वो हाई टेक मिसाइल्स, जेट्स, ड्रोन्स, रेडार्स और गन्स बना सकें, क्योंकि अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के बगैर टक्कर देना इम्पॉसिबल था। चाइना ने इसका बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन निकाला। पैसा हर किसी की कमजोरी होती है और इसी कमजोरी को चाइना ने एक्सप्लॉइट करते हुए अमेरिकन कंपनीज को लाखों डॉलर्स देकर माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी खरीदना शुरू कर दी। माइक्रोचिप के डिजाइन, उनका सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें चाइना ने अमेरिकन कंपनी से बाय करना शुरू कर दी और उनकी मैन्युफैक्चरिंग ताइवान करके दे रहा था। तो अमेरिका की ही टेक्नोलॉजी यूज करते हुए चाइना अमेरिका से लड़ने के लिए हथियार बना रहा था। 2021 में वॉशिंगटन पोस्ट ने क्लेम किया कि चाइना अमेरिकन माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी यूज करते हुए सुपर एडवांस्ड न्यूक्लियर लेबोरेटरीज बना रहा है। और फिर 20 अक्टूबर 2021 को चाइना ने अमेरिका के होश उड़ा दिए। China's new missile capability, there's a new report indicating China could soon be able to deploy a nuclear tipped missile that US defenses would find much harder to detect. And it's understood that US intelligence had no idea. अमेरिकन मिलिट्री जनरल्स 20 अक्टूबर 2021 की सुबह सोकर उठे तो उन्हें पता चला कि चाइना ने एक ऐसा मिसाइल बनाया है जो साउंड की स्पीड से 5 times तेज है और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी कैरी कर सकता है और सबसे बढ़कर अमेरिका का कोई रिडार फिलहाल उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। अमेरिकन इंटेलिजेंस को आइडिया ही नहीं था कि चाइना मिलिट्री टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया है और वो भी अमेरिका की ही माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी यूज करते हुए। ये वो टेक्नोलॉजी थी जिस पर अमेरिका पिछले 10 सालों से काम कर रहा था मगर चाइना ने उसे बड़े आराम से बीट कर दिया था। अमेरिकन थिंक टैंक्स ने सर पकड़ लिए। उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हुआ क्या है, कैसे चाइना इतनी खामोशी से उनसे आगे निकल गया और उन्हें खबर भी नहीं हुई। 2022 में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना पर स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। कोई भी अमेरिकन कंपनी अब किसी चाइनीज कंपनी को कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकती थी। सिर्फ अमेरिकन कंपनीज ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी जो अमेरिकन सॉफ्टवेयर और डिजाइन यूज करके माइक्रोचिप बना रही थी वो अब किसी चाइनीज कंपनी के साथ डील नहीं कर सकती थी। तो अगर हम वापस इस सप्लाई चेन पर आए तो इस बैन का एक नुकसान तो चाइना को होगा मगर दूसरी तरफ अमेरिकन कंपनीज को भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एनवीडिया अमेरिका की एक बहुत बड़ी माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी को सिर्फ 4 महीनों में $400 मिलियन का लॉस हुआ लेकिन अपनी सॉवरेंटी को बचाने के लिए अमेरिका के पास और कोई चॉइस थी भी नहीं। ये माइक्रोचिप कोई आम चीज नहीं है, ये 21st सेंचुरी की सबसे पावरफुल चीज है। जैसे आज से 40 साल पहले जिसके पास ऑयल था उसी के पास पावर और पैसा था। बिल्कुल वही इम्पोर्टेंस
आज इन माइक्रोचिप्स की है। हमारा सारा फ्यूचर इन पर डिपेंडेंट है। जिसके पास इस चिप का कंट्रोल होगा वही फ्यूचर में दुनिया पर राज करेगा। अब अमेरिका ने तो अपनी चाल चल दी है, सवाल ये है कि जवाब में चाइना क्या करेगा। और यहीं पे ताइवान इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर बनकर सामने आता है। चाइना से करीबन 100 मील दूर ताइवान इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। एक तरफ अमेरिका है जो उसे खबरदार कर रहा है कि वो चाइना को माइक्रोचिप्स मत दे, और दूसरी तरफ चाइना है जो मौके की तलाश में है कि अगर ताइवान ने उसे चिप्स की सप्लाई बंद की तो वो ताइवान पर अटैक कर देगा। और फिर जाहिर है कि चाइना के अटैक करने की सूरत में अमेरिका भी चाइना पर अटैक कर सकता है। US forces, US men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. लेकिन क्या वाकई चाइना ताइवान पर अटैक करेगा? इस सवाल का बड़ा डिटेल्ड जवाब हमने इस वीडियो में दिया है, लेकिन मैं बड़ा ब्रीफली आपको ये बता सकता हूँ कि चाइना फुल स्केल अटैक तो शायद नहीं करेगा, क्योंकि सुपर पावर्स कभी भी डायरेक्टली एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं करती। चाइना के लिए सबसे सेफ ऑप्शन ये है कि वो अपनी नेवी शिप्स को भेजकर ताइवान को ऐसे ब्लॉक कर दे, ताइवान को ऐसे हॉस्टेज रख कर वो इस पूरी सप्लाई चेन को तोड़ सकता है, और फिर वो देखेगा कि अमेरिका इस पे क्या रिस्पॉन्स देता है। अगर तो अमेरिका इस एक्शन के बाद टेबल टॉक्स पर आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर अमेरिका इस ब्लॉकेज का जवाब मिलिट्री से देता है तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। अभी तक दुनिया रशिया यूक्रेन वॉर के इफेक्ट से बाहर नहीं निकल पा रही। दो बड़ी सुपर पावर्स का क्लैश तो लिटरली फाइनल नेल इन द कॉफिन होगा। हम लोग इस वक्त बहुत ही डेंजरस हालात से गुजर रहे हैं। माइक्रोचिप बनाने का ये रेस कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर सुपर पावर बनने की ये दौड़ शायद पूरी इंसानियत के लिए खतरे का सबब बन सकती है। हमें उम्मीद है कि आप इस चैनल की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।